गर्भधारण के बाद सावधानियाँ। गर्भावस्था में शरीर की मांसपेशियों में ऐंठन। महिलाओं के शरीर में कैल्शियम, विटामिन बी, ई तथा लवण आदि की कमी के कारण गर्भावस्था के अंत में मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। यह मुख्य रूप से दोनों पैरों में अधिक होती है। मांसपेशियों में ऐंठन के समय दोनों पैरों के अंगूठों को अंदर की तरह मोड़कर मांसपेशियों को दबाना और मोड़ना चाहिए तथा मांसपेशियों पर मालिश करनी चाहिए। स्त्रियों को भोजन में अधिक मात्रा में कैल्शियम, विटामिन, दूध तथा दूध से निर्मित पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद, दालें आदि का अधिक मात्रा में उपयोग करना चाहिए। मांसपेशियों के ऐंठन होने पर नींबू पानी में नमक डालकर सेवन करने से लाभ मिलता है। हाई ब्लड प्रेशर होने की स्थिति में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए तथा डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मांसपेशियों की ऐंठन को रोकने के लिए पैर को घुटनों और जोड़ों से कई बार मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इससे पैरों के जोड़ों से मांसपेशियों तक का पूर्ण व्यायाम हो जाता है। इसके अतिरिक्त एड़ियों के बल चलना, पंजों के बल चलना तथा पैरों के किनारों पर अधिक वजन देकर चलने से भी लाभ होता है। मांसपेशियों की ऐंठन की अवस्था में थोड़े समय टहलना लाभकारी होता है। गर्भावस्था के दौरान पूर्ण सांस ले पाना। जैसे जैसे गर्भ में बच्चा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे बच्चेदानी का आकार भी ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। इससे फेफड़ों पर अधिक दबाव के कारण सांस पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ पाती। गर्भ में जुड़वा बच्चे होने पर स्त्री को सांस लेने में काफी परेशानी होती है। गर्भ में जुड़वा बच्चे होने पर जब स्त्री बैठी होती है तो उसे सांस लेने में अधिक रुकावट प्रतीत होती है। इसके लिए स्त्री को अधिक से अधिक विश्राम करना चाहिए। सांस लेने में परेशानी होने पर जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। कंधों को अधिक मोड़कर कार्य करना, वजन उठाकर चलना आदि कार्यों को भी नहीं करना चाहिए। दिल की धड़कन बढ़ जाना। गर्भावस्था के दौरान दिल की तेज धड़कन, स्वयं को महसूस होना, चलने, बोलने आदि में सांस और धड़कनों का अधिक हो जाना आम बात है। हृदय का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन युक्त रक्त माँ और बच्चे के शरीर को प्रदान करना होता है। इस कारण दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अधिक कार्य करने से हृदय की मांसपेशियां भी बढ़ जाती हैं, जिसके कारण हृदय को लगभग 35% से 40% अधिक कार्य करना पड़ता है। चक्कर, घबराहट और अधिक नींद का आना। स्त्रियों के शरीर में अच्छी प्रकार से ऑक्सीजन युक्त रक्त ना पहुंच पाने के कारण अधिक चक्कर, घबराहट आदि की शिकायत होना आम बात होती है। ऐसी स्त्रियों का ब्लड प्रेशर भी लो होता है। मस्तिष्क तक कम मात्रा में रक्त पहुंचने के कारण स्त्रियों को अधिक थकान, सुस्ती और अधिक नींद आती है। गर्भावस्था में प्रथम 3 महीने में अक्सर स्त्री का ब्लड प्रेशर सामान्य ब्लड प्रेशर की तुलना में कम होता है। इस कारण स्त्री को चक्कर भी आ सकते हैं। इस कारण स्त्री कार करते समय गिर भी सकती है और उसके शरीर को हानि हो सकती है। ऐसी अवस्था में स्त्री को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। लो ब्लड प्रेशर से माँ और बच्चे के शरीर को कोई हानि नहीं होती है। खुली हवा में धीरे धीरे घूमना चाहिए तथा अपने आप को दूषित वातावरण से दूर रखना चाहिए। लंबी यात्रा, अधिक थकान वाले कार्य या फिर काफी देर बैठना स्त्री के लिए हानिकारक हो सकता है। खुजली और जलन। गर्भावस्था में स्त्री के शरीर पर खुजली और जलन आम बात होती है। इस प्रकार की खुजली स्त्री के पेट और कभी कभी हाथ पैर पर भी हो सकती है। खुजली होने पर त्वचा में लाल रंग के दाने दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे जैसे गर्भावस्था बढ़ती जाती है त्वचा भी खिंचती जाती है।
इसकी वजह से शरीर में जलन और खुजली होती है। इसको गर्भावस्था में एलर्जी कहते हैं। इस प्रकार की एलर्जी में नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल या फिर कैलाड्रिल लोशन का प्रयोग किया जा सकता है। 2 चम्मच ग्लिसरीन, 2 चम्मच गुलाब जल और 1/2 चम्मच नींबू का रस मिलाकर त्वचा पर लगाने से त्वचा मुलायम हो जाती है और त्वचा की खुजली और जलन भी मिट जाती है। गर्भावस्था के दौरान स्त्री की योनि में जलन और खुजली अक्सर हो जाती है। योनि और कूल्हे की मांसपेशियों में अधिक रक्त संचार होने के कारण छोटे से छोटे आम कीटाणु भी खुजली पैदा कर देते हैं। इस खुजली और जलन से गर्भ में बच्चे को कोई हानि नहीं होती, परंतु स्त्री को अधिक कष्ट होता है। इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए गुनगुने पानी में एंटीसेप्टिक दवा डिटॉल की कुछ बूंदें डालकर स्त्री को अपने योनि द्वार को 3-4 बार अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। चप्पल, जूते और सैंडल से पैरों में दर्द। ऊंची एड़ी वाली सैंडल आदि पहनने से पैरों और पिंडलियों में दर्द होना स्त्रियों के लिए एक सामान्य बात है, लेकिन गर्भावस्था में स्त्री को ऊंची एड़ी की सैंडल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे स्त्री के फिसलने और गिरने का डर नहीं रहता। घर पर भी स्त्री के लिए बिना एड़ी वाले साधारण चप्पल ही अच्छी रहती है। पैर शरीर का वह अंग है जो हृदय से दूर है। इस कारण रक्त का संचार पैरों में देरी से पहुंचता है और देर से ही वापस आता है। इस कारण पैरों का खास ख्याल रखना जरूरी होता है। पैरों में लगी हुई चोट काफी देर से भर पाती है, खासकर उन स्त्रियों में जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो, जिन्हें मधुमेह हो या जिनके शरीर में विषैलापन हो। शरीर का संपूर्ण भार पैरों द्वारा ही वहन किया जाता है। गर्भावस्था में शरीर के लिगामेंट और मांसपेशियां ढीली हो जाने के कारण पैर फैल जाते हैं। पैरों की हड्डियों में 3 प्रकार की कमानियां होती हैं। 2 कमानियां जो आगे से पीछे की ओर होती हैं तथा 1 कमानी एक तरफ से दूसरी तरफ को होती है, जिनको आचेर्स कहते हैं। यदि यह अधिक फैल जाती है तो स्त्री के पैरों में हमेशा के लिए दर्द की शिकायत हो सकती है। नाक से सांस का ना आना। गर्भावस्था में हार्मोन्स अधिक होने के कारण नाक के साइनस की दीवारों पर सूजन आ जाती है। यह सूजन म्यूकस मेम्ब्रेन में होती है। इसके कारण सांस लेने में कठिनाई हो जाती है। यह परेशानी गर्भावस्था के समय पूर्ण समय तक देखी गई है, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद यह शिकायत स्वयं ही दूर हो जाती है। इसके लिए लंबी सांस का व्यायाम करना उचित होता है। नाक से खून का निकलना। ब्लड प्रेशर अधिक होने के कारण कभी कभी स्त्री की नाक से रक्तस्राव होने लगता है, परंतु यदि ब्लड प्रेशर ठीक हो और फिर भी नाक से रक्त आए तो इसका प्रमुख कारण नाक का दब जाना या हार्मोन्स के कारण नाक की दीवारों का रक्त संचार बढ़ जाना होता है। कई बार तो नाक में उंगली डालने से भी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। इसके लिए नाक में दवा की बूंदों या वैसलीन का प्रयोग किया जा सकता है। कमर में दर्द। आमतौर पर गर्भावस्था में स्त्रियों के शरीर का वजन बढ़ता चला जाता है, जिसका प्रभाव स्त्री की मांसपेशियों और मुख्य रूप से कमर की हड्डियों पर पड़ता है। स्त्री के शरीर में कमर दर्द होने का कारण कैल्शियम और प्रोटीन का कम मात्रा में होना है। शरीर का वजन दोनों पैरों पर एक समान मात्रा में रखना चाहिए तथा मांसपेशियों को खींचकर हल्का व्यायाम करना चाहिए। सोते या लेटते समय एक छोटा तकिया कमर के नीचे कुछ समय के लिए लगाया जा सकता है। इससे स्त्री को आराम और राहत मिलती है। स्त्री को सोते समय ढीले और सूती कपड़े पहनने चाहिए। जैसे जैसे गर्भावस्था का समय बढ़ता जाता है,
वैसे वैसे कूल्हे की हड्डियों के लिंगामेंट अस्थिबंध यह दो जोड़ों को बांधती है, स्वयं ही ढीली पड़ने लगती है। इसके कारण स्त्री के कूल्हों में दर्द होता है। इससे बचने के लिए स्त्री को अधिक से अधिक आराम करना चाहिए या फिर प्रतिदिन के कार्य के बीच में आराम करके कमर और कूल्हों को आराम देना चाहिए। कई बार दर्द कूल्हे की हड्डियों से पैर के पीछे की ओर भी आ जाता है। इस अवस्था में अधिक से अधिक आराम तथा हल्के व्यायाम करने चाहिए। स्तनों में दर्द। गर्भाशय में बच्चे का आकार बढ़ने से माँ के पेट का आकार बढ़ना एक स्वाभाविक बात है। इस कारण 6 महीने के बाद स्तनों के नीचे और स्तनों में दर्द हो सकता है। पेट के अन्य अंगों जैसे लीवर, पेट, आंतों आदि पर भी दबाव पड़ता है। स्त्री के पेट और पैरों में दर्द। गर्भ में धीरे धीरे बच्चे का विकास होता रहता है तथा कूल्हे की हड्डियों के जोड़ भी मुलायम होते जाते हैं, जिससे प्रसव के समय बच्चे को अधिक स्थान मिल सके और हड्डियां सरलता से पीछे की ओर ढकेली जा सके। इस कारण स्त्री के पेट और पैरों में दर्द होना स्वाभाविक होता है। गर्भावस्था में स्त्री के शरीर में रक्त का संचार कम हो जाता है। इस दौरान स्त्री का वजन बढ़ना भी स्वाभाविक होता है, जिसकी वजह से उसके हाथ पैरों में सूजन आ जाती है। यह सूजन शरीर में पानी की अधिक मात्रा के कारण होती है। इसको एडिमिया कहते हैं। इस एकत्रित द्रव के कारण नसों और मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से हाथ पैरों की उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। चूंकि रात्रि में द्रव इकट्ठा होता रहता है, इस कारण सुबह के समय शरीर में सूजन अधिक होती है। इसके बाद जैसे ही स्त्री किसी कार्य में लग जाती है, वैसे ही उसकी सूजन कम होना शुरू हो जाती है। स्त्रियों के शरीर में यह सूजन चेहरे, हाथ, पैर तथा जोड़ों आदि में अधिक होती है। पहनने वाले कपड़े चुस्त होने से या ब्लड प्रेशर हाई होने से भी सूजन अधिक होती है। इस कारण स्त्रियों को खाने में कम मात्रा में नमक और प्रोटीन युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए। गर्भावस्था में अधिक देर तक बैठना, यात्रा करना या फिर देर तक खड़े होना ठीक नहीं है। फिर भी सूजन में कमी ना हो तो इसका कारण गुर्दे की कमजोरी हो सकती है। ऐसा होने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कच्चे चावल, मुल्तानी मिट्टी, कोयला, इमली या कच्चे आम खाने की इच्छा होना। गर्भावस्था के दौरान शरीर में कैल्शियम, प्रोटीन, लोह पदार्थ, विटामिन और लवण आदि की कमी के कारण अक्सर स्त्री ऐसे पदार्थों का सेवन करने लगती है जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी, कोयला, खट्टी चीजें, कच्चे चावल, इमली आदि। स्त्रियों की इस आदत को पाइका कहते हैं। शरीर में थकान और दर्द। संतुलित भोजन, पूरी नींद तथा मानसिक शांति गर्भावस्था में स्त्री के शरीर के लिए लाभकारी होती है। खून की कमी के होने के कारण शरीर में थकान और दर्द बना रहता है। इस स्थिति में स्त्री के लिए 9-10 घंटों की नींद लेना बेहद जरूरी है। यदि कोई स्त्री एक साथ इतनी नींद ना ले सके तो उसके लिए दोपहर को सोना भी जरूरी होता है। इससे उसे अपने शरीर की अन्य तकलीफों से भी राहत मिलती है। मानसिक अशांति का होना। गर्भावस्था के समय अधिक हार्मोन्स बनने के कारण स्त्री कभी तो अचानक खुश हो जाती है और कभी अचानक ही दुखी हो जाती है। इसलिए स्त्री को हमेशा शांत चित रहना चाहिए और हर बात को समझदारी से समझना चाहिए। नींद का कम आना। गर्भावस्था के दौरान शरीर में विभिन्न प्रकार के बदलाव, मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की उलझने तथा पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक चिंताओं के कारण स्त्री को रात के समय नींद नहीं आती है। इसके कारण स्त्री को अनिद्रा की शिकायत हो जाती है।
ऐसी अवस्था में स्त्री को अपनी मानसिक परेशानियों और चिंताओं के बारे में अपने पति और घर वालों से बातें करनी चाहिए, जिससे उसका मन हल्का हो जाता है। गर्म दूध, गर्म पानी की सिकाई, गुनगुने पानी में लाहौरी नमक से पैरों की पिंडलियों की सिकाई, तेल की हल्की मालिश करने से स्त्री को लाभ होता है और नींद भी अधिक आती है। दिन में योगा व्यायाम तथा लंबी सांस का अभ्यास करने से भी रात को अच्छी नींद आती है। पसलियों में दर्द, गर्भावस्था का समय बढ़ने के साथ साथ बच्चेदानी का बढ़ना भी स्वाभाविक होता है। 32 से 36 सप्ताह में बच्चेदानी की ऊपरी सतह लगभग पसलियों के नीचे की सतह को दबाने लगती है, जिसके कारण स्त्री के दाहिनी तरफ अधिक दर्द होता है, क्योंकि बच्चेदानी दाहिनी तरफ अधिक बढ़ती है। कभी कभी तो दर्द होना और ही बराबर बना रहता है। बैठने में दर्द लेटने या चलने की तुलना में अधिक होता है। पैदल चलना और घूमना, गर्भावस्था का सबसे अच्छा व्यायाम पैदल चलना, घूमना तथा खुली हवा में लंबी सांस लेना होता है। इस दौरान धीरे धीरे चलना, घूमना और व्यायाम करना चाहिए। तेज चलने या अधिक चलने की वजह से होने वाली थकान गर्भवती स्त्रियों के लिए हानिकारक हो सकती है। टहलते समय स्त्रियों को ऊंची एड़ी वाली सैंडलों को नहीं पहनना चाहिए। गर्भावस्था के समय जो स्त्रियां शराब का सेवन करती हैं, उनके होने वाले बच्चे के शरीर में बचपन से ही शारीरिक बनावट में कमी आ सकती है, तो गर्भावस्था में शराब का प्रयोग बिल्कुल ना करें। गर्भावस्था में दवा का प्रयोग बिना डॉक्टर की राय लिए ना करें। गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान आदि का सेवन बिल्कुल ना करें। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इन सावधानियों को अपनाकर अपने जीवन को सुखद व स्वस्थ बनाएंगे और आने वाली परेशानियों से निजात पाएंगे। धन्यवाद।